नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। और दोस्तों, यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर आपको हिंदी में इस टॉपिक से कुछ प्रश्न मिल भी जाते हैं परीक्षाओं में। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है कारक एवं परसर्ग। दोस्तों, कारक एवं परसर्ग, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में दोस्तों हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज में। कारक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, कारक जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनके जो चिन्ह होते हैं, जिस चिन्ह के द्वारा हम इसको दिखाते हैं, उन्हें हम परसर्ग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं? परसर्ग या चिन्ह बोलते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें करण कारक है। अब दोस्तों, करण कारक होता क्या है? कर्ता अपनी क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस साधन का उपयोग करता है, ठीक है, उस साधन विशेष को हम करण कारक कहते हैं। और इसका जो परसर्ग या चिन्ह होता है वो से होता है, ठीक है। से या के द्वारा इसके कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चम्मच से परसर्ग का यहां यूज हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा करण कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, यहां पर जो कारक है वह है अधिकरण कारक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, अधिकरण कारक क्या होते हैं? कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है यह उसका आधार होता है, ठीक है, या फिर जिस स्थल विशेष पर वह क्रिया की जाती है यह उसको बताता है, इसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका दोस्तों जो चिन्ह होते हैं या परसर्ग होते हैं वो में, पर, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब इसमें अलमारी में आया है तो में हो जाएगा हमारा दोस्तों यहां पर परसर्ग, ठीक है। और कारक हमारा क्या हो जाएगा? अलमारी। और कौन सा कारक हो जाएगा? ये अधिकरण कारक, ठीक। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, अपादान कारक का प्रयोग हमको इसमें से बताना है। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। तो दोस्तों, इसमें जो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है वो किस वाक्य में हुआ है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले अपादान कारक देख लेते हैं होता क्या है। अपादान कारक का दोस्तों जो प्रयोग करते हैं वो हम अलग होने के उस अर्थ में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? अलग होने के अर्थ में, ठीक है, या फिर तुलना के समय करते हैं। किसी से तुलना की जा रही हो तब वहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम जब साधन का प्रयोग करते हैं, सॉरी, साधन में तो हम करण का करते हैं, अपादान का हम तुलना या अलग होने के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर है बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब छत से कूद पड़ी यानी कि बिल्ली और छत के बीच में एक सेपरेशन हो गया, एक विभाजन हो गया, तो इसको हम शो करेंगे। और चिन्ह भी है किसका? से चिन्ह आया है। तो यहाँ पर जो कारक हो जाएगा वो कारक हो जाएगा हमारा अपादान कारक, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो कारक है वो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। करण कारक क्या होता है दोस्तों? कर्ता जब अपनी क्रिया को पूरा करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम करण कारक से प्रदर्शित करते हैं। करण कारक के जो परसर्ग है वो से होता है, ठीक है, से या के द्वारा। अभी पीछे बताया था आपको, ये दोनों ही इसके परसर्ग या चिन्ह कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो दोस्तों, इसमें हमको परसर्ग बताना है, तो इसमें जो परसर्ग होगा वो अधिकरण होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकरण परसर्ग का जो चिन्ह या परसर्ग होता है वो में या पर होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर तो में या पर नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी जो परिभाषा हमसे ये कहती है कि क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को हम अधिकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आधार या आश्रय को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर किस कारक का परसर्ग है? तो दोस्तों, पर जो है वो अधिकरण का परसर्ग है। अभी बताया था मैंने, में और पर दोनों इसी के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है,
लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते तो वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं निपात। ठीक है, जैसे भी, तो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसे हम निपात बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको ये किसका चिन्ह होता है, अपादान का, जहां पर अलगाव की स्थिति हो, ठीक है, विभाजन का बोध हो वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रसर्ग है उसे हम किससे शो करते हैं, से शो करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? तो दोस्तों इसमें जो प्रसर्ग है मे का यूज हुआ है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हमारा यूज हुआ है, और प्रसर्ग हमारा कौन सा, अधिकरण प्रसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? दोस्तों अभी बताया था आपको मैंने, ये कौन से कारक में होते हैं, करण कारक में। ठीक है, से या के द्वारा इनकी पहचान होती है, यहाँ पर ये दोनों प्रकार के शब्द जो हैं, ये चिन्ह हैं, ये करण प्रसर्ग में आते हैं, और ये कारक करण कारक कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो दोस्तों अलग रहने की बात हो रही है ना, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, के लिए प्रसर्ग आया है, रेखांकित शब्द का क्या मतलब है इसमें पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये क्या है, के लिए, ये दोस्तों प्रसर्ग है। ठीक है, इसमें केवल प्रसर्ग पूछा है कौन सा, के लिए प्रसर्ग है, और नाम इसमें नहीं पूछा कि कौन सा प्रसर्ग है। ठीक है, ये दोस्तों संप्रदान प्रसर्ग होता है, कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों अधिकरण का कारक प्रसर्ग जो होता है वो में या पर होता है। ठीक है, ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, पर दिया हुआ है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो दोस्तों कर्ता कारक यहाँ पर केवल देख लेते हैं किस वाक्य में है, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दे दो। दोस्तों बाकी के तीन वाक्यों में तो कर्म कारक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में, लेकिन मोहन को जाना है इसमें हमारा कौन सा कारक है, इसमें कर्ता कारक हुआ है। ठीक है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कौन करता है? तो दोस्तों इसमें जो करता है वो हमारा चिट्ठियाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं करण कारक, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। दोस्तों माँ का लड़का, ठीक है, तो माँ का लड़का, माँ का ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो यहां पर हमारा संबंध कारक हो जाएगा ऑप्शन सी में। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों कर्ता कारक का प्रसर्ग इसमें से है ने, कर्ता ने, तो कर्ता ने होता है, कर्म को, कर्म के साथ को प्रसर्ग आता है। ठीक है, करण से, करण के साथ से प्रसर्ग आएगा। ठीक है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो दोस्तों इसमें जो कारक का प्रकार है, चूंकि यहाँ पर के लिए आया है, ठीक है, और किसके लिए, राधा के लिए, तो यहाँ पर जो प्रकार है संप्रदान प्रकार होगा। ठीक है, संप्रदान कारक होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बताना है कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, सम्मान में, सम्मान के बाद दोस्तों क्या आया है, में आया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं पर भी, ठीक है, या तो अलगाव हो, ठीक है, या फिर तुलना हो, वहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाता है,
अपादान कारक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राम की गाय चढ़ती है वाक्य में कौन सा कारक है? कारक चिन्ह दोस्तों यह है कि और किसकी, राम की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, 22 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? तो दोस्तों पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यानी कि हमारे यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना मैं कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें जो कारक है वो है हमारा पर है, और पर किस में आता है, अधिकरण में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया हो, ठीक, वो क्या होती है, वो कहलाती है दोस्तों कारक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो दोस्तों किस पर बैठे, कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, और कुर्सी पर दोस्तों किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। ठीक है, किस में आता है, अधिकरण में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें जो कारक है वह हमारा संबोधन कारक है। संबोधन कारक कैसे है दोस्तों, संबोधन कारक में हे, ठीक है, ओ, अरे, हो, इस प्रकार से हमको प्रसर्ग या चिन्ह मिल जाते हैं। ऐसे सारे चिन्ह जहां पर भी हमको मिलेंगे वहां पर हमारा दोस्तों संबंध कारक होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। अलगाव हो, तुलना हो, डर हो, भय हो, दोस्तों इन सब में, या रक्षा हो, इन सब में हमारा कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। चिन्ह हमारा से यहाँ पर यूज हुआ है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पर अपादान कारक है, 29 का सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों बच्चे किससे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो बस क्या एक साधन है, साधन जहां पर होता है वहां पर करण कारक होता है। ठीक, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों यहां पर कारक जो होगा हमारा वो हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान को या के लिए दोनों में आता है। ठीक है, और जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं और वो वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए और कभी वापस ना ली जाए, अब जब भिखारी को दान देगा तो वापस तो मांगेगा नहीं उससे, तो दोस्तों वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है दोस्तों, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, यहां पर कर्म कारक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जब किसी को कोई चीज दी जाए और उससे वापस ना ली जाए तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, दोस्तों कंबल दे रहा है तो ये भी वापस नहीं लेगा। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों अगले साल में, यानी कि दोस्तों यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो तो होता है में और पर, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये क्रिया क्या करता है, आधार, क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को भी हम क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं। ठीक है, अधिकरण के अगर दोस्तों हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका आधार, शाब्दिक अर्थ होता है आधार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पीछे दोस्तों आ चुका है, कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।